हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, भेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। विदाउट गेट स्कोर के बेसिस पे यहां पर इन्होंने यहां पर रिक्रूटमेंट निकाला है। सॉरी टू से, बट अगर आप फ्रेशर हो तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और यहाँ पर आपकी परमानेंट जॉब नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब होने वाली है। ठीक है, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो यहां पर इन्होंने यहां पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स के पोस्ट के लिए इन्होंने यहां पर रिक्रूटमेंट निकाला है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में। तो इंजीनियर्स के लिए 12 वैकेंसीज है और सुपरवाइजर्स के लिए यहां पर 20 वैकेंसीज है। तो इन टोटल यहां पर इन्होंने 32 वैकेंसीज निकाली हुई है, जो कि यहां पर कैटेगरी वाइज बांटी दी गई है। तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कुछ जरूरी बातें के बारे में। तो अगर आप इंजीनियर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी एज 45 इयर्स तक है तभी आप यहां पर एलिजिबल हो। तो दोस्तों, आपको इस पोस्ट के लिए 78,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे है और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सुपरविजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आपकी एज 45 ईयर्स तक है तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर कम से कम 44,000 रुपीज पर मंथ मिल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे है और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इंजीनियर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपने फुल टाइम बीबीटेक या फिर फुल टाइम एमईएमटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किया हुआ होना चाहिए, या फिर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 50% मार्क्स होने से भी चल जाएगा। ठीक है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस किस में चाहिए? तो ये सब डिपार्टमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप सुपरविजर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 50% मार्क्स होने से भी चल जाएगा। तो 2 साल का एक्सपीरियंस किस में चाहिए? तो ये सब डिपार्टमेंट देख सकते हो। ये सब डिपार्टमेंट में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपकी एज 45 इयर्स तक है तभी आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 31 अक्टूबर 2022 से आपकी यहां पर एज काउंट की जाएगी। लेकिन एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं उसकी सैलरी के बारे में, तो इंजीनियर्स के लिए आपको यहां पर 78,000 रुपीज मिलने वाली है, और इसमें 2 लाख का मेडिक्लेम पॉलिसी भी आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, सैलरी के साथ आपको यहां पर 2 लाख का मेडिक्लेम पॉलिसी भी मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो, इसकी सैलरी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में, तो जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स को देखकर सबसे पहले आपको यहां पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको यहां पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू को सक्सेसफुली कर लेते हो तो आपको यहां पर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहां पर जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जो जनरल कैंडिडेट है या फिर जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट है तो उनको यहां पर 200 रुपीज का एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनको यहां पर कोई सा भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा, यानी बोलो फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है। ठीक है, तो फीस पेमेंट कैसे करना है? तो यहां पर इन्होंने क्यूआर कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये क्यूआर कोड है, इस कोड को आपको यहां पर स्कैन करके आपको यहां पर एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करना है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो ये क्यूआर कोड है, इस
कोड को आपको यहाँ पर स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का रिसीप्ट होगा उसको आपके पास रखना है, ठीक है, उसको आपके पास रखना है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन अप्लाई करना है, तो मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद वो जो फीस रिसिप्ट है उसके साथ आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद उस फीस रिसिप्ट के साथ एंड ये सब जो डॉक्यूमेंट्स दी गई है, इस सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इस वाले एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या फिर करियर कर देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट या फिर करियर कर देना है 22 नवंबर 2022 के पहले आपको यहां पर स्पीड पोस्ट या फिर करियर कर देना है, ठीक है। और एनवेलप में क्या-क्या लिखना है तो यहां पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है, ठीक है। एनवेलप में क्या-क्या लिखना है तो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हो। और इंटरव्यू के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और वर्क एक्सपीरियंस के प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो 7 नवंबर 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन चालू हो चुका है और 20 नवंबर 2022 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन चलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जो करियर वाला था उसका लास्ट डेट 22 नवंबर 2022 रहने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।